एक बार जितनी ताकत है तारीफ कर दो परमेश्वर की। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि आज का वर्ड आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो इस वचन को सुनने से पहले मैं अपनी आत्मा को तैयार करता हूं। आमीन। मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और परफेक्ट करे आज। आप तैयार हो सुनने के लिए? आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। आप लाए गए हो क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है, इसलिए लाए गए हो। आप विश्वास करते हो कि नहीं? सुना नहीं मैंने कहा, विश्वास करते हो कि नहीं? तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आमीन। मैं आपको पांच चीजें आज बताऊंगा, आप तैयार हो सुनने के लिए? पांच मैं आपको ऐसी चीजें आज बताऊंगा जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए एक क्रिश्चियन लाइफ में चाहिए, और अगर ये नहीं है आपकी लाइफ कच्ची पक्की होगी। और परमेश्वर ने चाहा आपकी लाइफ ऐसी हो, आपकी लाइफ डगमगाए। बाइबल कहती है परमेश्वर का रास्ता, धर्मी का रास्ता एक ऐसे सूर्य के समान है जिसकी ज्योति दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। आप जानते हैं मसीह लाइफ में आपको अप डाउन जाने के लिए नहीं बुलाया गया। हाँ लोग बोलते हैं जिंदगी है जी, कभी उत्ते नू कभी थल्ले नू, जिंदगी रोलर कोस्टर के जैसे है, कभी नीचे कभी ऊपर। ये सब संसारिक शारीरिक इंसानी बुद्धि की बातें, परमेश्वर की नहीं। इसलिए मैंने कहा अगर आप अपने दिमाग को गार्ड नहीं करते हो, सच्चाई से अपनी कमर कस। क्या कस? किससे? क्या है सच्चाई? वचन। क्या है कमर? आपका दिमाग। अगर आप लोगों की बातों की ओर ध्यान लगाओगे कि लोग क्या कहते हैं कि लाइफ रोलर कोस्टर है, लाइफ अप डाउन चलती रहती है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अगर ये आपकी आत्मा में चला गया तो आपके साथ वैसा ही होगा। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा अपने अपने हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। अगर तुमने वो सामना करने के लिए हथियार बांध लिए तो तुम्हारे दिन बुरे नहीं होंगे फिर। इसलिए दिमाग को कहता है वचन के साथ कस लो, आपको मालूम हो लोग क्या कहते हैं और वचन क्या कहते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये लोग कहते हैं। बाइबल कहती है कि तेरी ज्योति उस सूर्य की नहीं होगी जो दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। सूर्य कभी ऐसे ऐसे आता देखा आपने, नीचे ऊपर, अभी नीचे हो गया फिर ऊपर, ऐसा देखा है? आपकी लाइफ ऐसी होगी, फाइनेंस ऐसा होगा, सेहत ऐसी होगी, हर ईयर आप बेटर होते जाएंगे, एवरी ईयर आप बेटर होते जाएंगे, आपका लास्ट ईयर कभी बेस्ट नहीं होगा, अगला अभी वाला बेस्ट होगा। आप कभी अपने पास्ट ईयर को बेटर नहीं बोलेंगे, आप एवरी ईयर बेटर के बाद बेटर होते जाएंगे। अगर आमीन ऊंचा आशीष ऊंची, आमीन। आप तैयार है अपने माइंड को सच्चाई के साथ भरने के लिए, क्योंकि ये आपका फैसला है कि आप दुनिया की बातों को सुनते हो या आप शैतान की बातों को सुनते हो या आप अपना दिमाग जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाते हो। हालेलुया। सच्चाई से अपनी कमर को कसना, पतरस ने कहा अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसो। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस। बोलो सात बार, सात बार। आमीन। सच्चाई क्या है? वचन। बुद्धि क्या है? अगर ये कसा हुआ नहीं है वचन से, आपको लोगों का ओपिनियन मैटर करेगा। लोग क्या कहते हैं मुझे परवाह नहीं, मैं प्रभु की हुजूरी में बोल रहा हूं। अगर प्रभु ने मुझसे कहा और आपकी बेहतरी के लिए कुछ है, मैं उसे करूंगा। लोग कुछ भी करें, पहले विरोध करेंगे, फिर मेरी कॉपी करेंगे, बाद में सहमत हो जाएंगे, डोंट वरी। पहली चीज जो आपने अपनी लाइफ में रखनी है अगर आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन होना चाहते हैं तो वो ये है, आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। लिख लो पहला पॉइंट। बाइबल कहती है यहोजकेल जब परमेश्वर के सामने गया तो परमेश्वर ने कहा यहोजकेल
क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा परमेश्वर तू ही जानता है। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा परमेश्वर तू जानता है। कहा कि नहीं कहा? यहोजकेल अगर ये कहता हां परमेश्वर ये हड्डियां जी सकती तो वो गलत होता। क्यों? क्योंकि यहोजकेल को ये मालूम नहीं था कि ये हड्डियां किसी श्राप की वजह से परमेश्वर के साथ सहभागिता टूट जाने की वजह से सूखी हैं या वैसे ही सूखी। अगर वो ये कहता हां ये जी सकती हैं तो उसमें यहोजकेल का अपना आप नजर आता, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि प्रार्थना करते वक्त आप उसे नजर आए, आपकी मैं नजर आए। बाइबल कहती स्वर्ग में कुछ दूत ऐसे हैं जिन्होंने अपने पंखों से अपने चेहरे को ढांपा हुआ है। पता है क्यों? ताकि जब आप या कोई और बंदा या खुदा का दास जब उन्हें देखे स्वर्गीय दर्शन में, तो कभी उसके साथ परमेश्वर के साथ उनका आपस में कंपैरिजन न करना शुरू कर दे। यहोजकेल ने कहा नहीं परमेश्वर मैं नहीं जानता ये हड्डियां जी सकती हैं कि नहीं। अगर वो कहता हां जी सकती तो इसका मतलब उसका अपना आप नजर आ रहा था। उसने कहा मेरे को नहीं मालूम ये हड्डियों के सूखने का कारण क्या है, तो मुझे कैसे मालूम कि जी सकती है कि नहीं। अगर वो कहता नहीं जी सकती तो ये भी गलत था, क्योंकि परमेश्वर की पावर के विश्वास के खिलाफ था, क्योंकि परमेश्वर की पावर से वो हड्डियां जी सकती थी। आज के बाद अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और परमेश्वर के दाहिने हाथ को भयानक कामों को, बड़े कामों को, एक रसौली गायब होना और बेबी के रूप में परिवर्तित होना, यह भयानक काम है। अगर ऐसे बड़े काम देखना चाहते हो तो जब प्रार्थना करने के लिए आज प्रभु की हुजूरी में बैठोगे तो आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड और मैं के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आमीन। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, सबसे पहली प्रार्थना क्या है? हे परमेश्वर मैंने जो वीजा अप्लाई किया है तेरे दूत उसको छुएं, एम्बेसी में चले जाएं, एम्बेसी के घर में चले जाएं, काउंसलर के गला गले को दबा दे, कान को दबा दे, मार दे उसे प्रभु, वीजा दे मेरे को। इसका मतलब आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड है और पूरे चांस है आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आने की, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती उसमें लिखा तूने मांगा पर पाया नहीं इसलिए तू व्यभिचार में उसे उड़ा दे। हालेलुया। तूने मांगा पर पाया नहीं इसलिए कि व्यभिचार में उड़ा दे। अगर तुम खुदा की सेवा करोगे तो क्या लगता है खुदावन तुम्हें मजदूरी नहीं देगा? तुम उसकी महिमा करोगे तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें ऊंचा नहीं करेगा? तूने जो मेरे नाम को जान लिया और मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, बाइबल ऐसे कहती है, हाँ या ना? कहती है कि नहीं कहती? लेकिन जब प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड है, पहली प्रार्थना जब आप वचन में बैठे, प्रार्थना में बैठे, आपकी पहली प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर मैं तुझे और जानना और समझना चाहता हूं। दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए परमेश्वर मैं तेरे वचनों की गहराई को समझना चाहता हूं। तीसरी प्रार्थना आपकी गैर भाषा होनी चाहिए। चौथी प्रार्थना आपकी कमियां कमजोरियां होनी चाहिए कि परमेश्वर ये मेरी लाइफ की कमजोरी है जिससे मैं बाहर आना चाहती हूं, बाहर आना चाहता हूं। पांचवीं छठवीं प्रार्थना फिर भी आपकी यही होनी चाहिए कि तू लोगों को बचा, मेरे घराने को बचा, हमारे उद्धार को और तू फैला परमेश्वर। और फिर आप अपनी प्रार्थना रखो जो रखनी कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो ये भी हो सकता है, अगर तू चाहे तो मेरा वीजा भी आ सकता है, अगर तू चाहे मेरा लंगड़ापन भी ठीक हो सकता है, मुझे बेबी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है तेरे नाम में। पर आपकी पहली प्रार्थना ही ऐसी है जिससे परमेश्वर को लगता है कि आप सिर्फ सेल्फिश लोग हैं और अपने सेल्फ अपने अपने मोटिव्स को आप मेरे से पूरा करवाना चाहते हैं। बस आपको कंटेनर से प्यार नहीं, लेकिन जो कंटेनर के अंदर चीजें हैं आपको उससे प्यार है। आपको बाप से प्यार नहीं पर बाप की प्रॉपर्टी से प्यार है। ऐसे बच्चे नाजायज कहलाते हैं और गलत कहलाते हैं। ऐसे बच्चे बच्चों से बाप कभी प्यार नहीं करता। आपकी फर्स्ट प्रेयर होनी चाहिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए, अपने उद्धार में बने रहने के लिए, उसका थैंक्स करने के लिए पास में जो उसने आपके लाइफ में काम किए। जब परमेश्वर ने देखा यहोजकेल तूने बड़ी बुद्धि के साथ उत्तर दिया है, बड़े दिमाग से उत्तर दिया तूने आत्मा से कि मैं नहीं जानता परमेश्वर क्या ये हड्डियां जी सकती कि नहीं, परमेश्वर ने कहा तू भविष्यवाणी कर कि यह हड्डियां जी उठे। आत्मा उसमें आया। आत्मा आप पे उतरता है जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हो। आत्मा आप पे उतरता है जब आप परमेश्वर की विल पे चलते हो। आत्मा आपके कामों पे उतरता है जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो। आप सेल्फिश नहीं हो तो आत्मा आप पे उतरता है। आज लोग सेल्फिश हैं, आत्मा नहीं उतरता उन पे।
उनका सारा ध्यान इस बात पे, जैसे ये बहनें आजाद हुई मुझे भी प्रभु आजाद करें, जैसे उस भाई को परमेश्वर ने ब्लेस किया लाखों के से, लाखों के घरों से, मुझे ब्लेस करें। उन्हें कोई ध्यान नहीं कि क्या आज मैं प्रेयर करके आया हूं, मेरी बाइबल पूरी है, पवित्रता ही सही है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, आज मैं संडे प्रभु के घर में हूं या नहीं, नहीं, इन बातों की और कोई ध्यान नहीं। इसका मतलब हम वही है जिसके बारे में वचन कहते हैं कि तूने मांगा और पाया नहीं, इसलिए कि तू व्यभिचार में उड़ा दे। हीलिंग देने के लिए प्रभु तैयार है, लेकिन हीलिंग के बाद करोगे क्या? चंगाई देने के लिए वो तैयार है, आपको डिलीवरेंस छुटकारा देने के लिए तैयार है, लेकिन करोगे क्या उसके बाद? कुछ लोग आज पवित्रता ही में है, पता क्यों? क्योंकि शैतान के अटैक होते हैं उन पे, दुष्ट आत्मा के। लड़कों के पास जाने के लिए टाइम नहीं है उनके पास, लेकिन जैसे ही वो दुष्ट आत्मा से चर्च में आके फ्री हुए, अब फ्रेंडशिप कर रखी, तो क्या थे आप? आप बीमार अच्छे थे, आप बचे हुए तो थे, आप स्वर्ग तो जा रहे थे। तो ऐसा परमेश्वर को मौका मत दो कि वो आपको ज्यादा बीमार रखना उत्तम समझे आपको चंगाई देने से। आपको ये भी बताना है अपनी चंगाई छुटकारा लेने के बाद कि आप बेटर हुए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी, उसको लेने के बाद आप अच्छे हुए उससे भी। प्रेयर बड़ी है आपकी, बाइबल रीडिंग बड़ी है आपकी, चर्च में आप ज्यादा आए हैं, आपने प्रार्थना ज्यादा की है, आपको थैंक्स करना है परमेश्वर का। पुराने टाइम में मुंह से थैंक्स करने नहीं जाते थे, थैंक यू गॉड, बकरियां लेके जाते थे, हाँ भेड़े लेके जाते थे, अपने कर्मों से थैंक्स करते थे, वो एफर्ट से, पैसों से थैंक्स करते थे, और परमेश्वर को मालूम था ये रियल थैंक्स है। आमीन, आमीन। पहला पॉइंट जो आपको मानना है वो ये है, आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, आपके मांगने का मकसद सही होना चाहिए। आमीन। आप तैयार हैं इस पॉइंट को फॉलो करने के लिए? आमीन। छोटा ऊंचा चाहिए सब सब सेक्शन से और ऑनलाइन से। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है? आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, मोटिव उसका सही होना चाहिए। आमीन। यानी प्रभु चंगाई ले ली, अब क्या मानना है परमेश्वर को? तूने मांगा और पाया नहीं, इसलिए कि तू व्यभिचार में उड़ाना चाहता है। पहला पॉइंट क्या है मुझे सुनना है? प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया तो आपको किस लिए बुलाया? हर एक व्यक्ति उसकी महिमा करने के लिए बुलाया गया, बाइबल कहती है। आपको अब ढूंढना है कि आप किस पार्ट में बुलाए गए हो, किस हिस्से में बुलाए गए हो, कहां खुदा की महिमा परमेश्वर आपसे चाहता है। जब सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहेंगे और कारण मोटिव खुदा की महिमा होगा, चाहे वो लंबा बड़ा घर लेने का हो, चाहे वो ब्लेसिंग लेने का हो, उसका मकसद आपको परमेश्वर की महिमा जब आप प्रूफ कर देंगे, वो ब्लेसिंग आपके पास होगी। आपकी हड्डियां हील हो रही है इस वचन में, आपके ब्रेन हील हो रहे हैं इस वचन में, और आमीन लंबा ब्लेसिंग लंबी चर्च। हालेलुया। दूसरा पॉइंट जो आपको अपनी लाइफ में रखना है कि आप कामयाब रहे, अपने सिर के ऊपर से आपको तेल खत्म नहीं होने देना। मैं सरसों के तेल की बात नहीं कर रहा, मैं एक अभिषेक की बात कर रहा हूं। आमीन। अगर आपकी लाइफ में अभिषेक की कमी है, आप मारे जाओगे, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से भी हो सकता है। बिन्यामीन जो गोत्र था, बाइबल कहती है वो ऐसा गोत्र था जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। बिन्यामीन ऐसा गोत्र था जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। अगर वो किसी को गोफन से मारे तो उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। और शाऊल राजा बिन्यामीन गोत्र में से था, ध्यान से समझना है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोल तेल, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, बोलो सिर पे तेल रख, अपने सिर पे तेल रख, फिर से ऊंची आवाज में बोलो। आप जानते हैं बिन्यामीन जो था, बिन्यामीन ऐसी गोत्र था जो स्लिंग मारते थे, जो गोफन मारते थे या भाला मारते थे, उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल में पढ़े, जब शाऊल राजा ने दाऊद को मारने के लिए अपना भाला पकड़ा और सीधा दाऊद को मारा, तो वो दाऊद को लगा नहीं। ऐसे है कि नहीं? हाँ लगा दाऊद को कि नहीं लगा? नहीं लगा, हाँ या ना? और अगर आप उसको देखें फिर से, शाऊल को
जब उसके बेटे ने उसके साथ गद्दारी की और शाऊल ने उसको मारना चाहा, तब निशाना फिर चूक गया। हाँ या ना? इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, दो चीजें हैं। अगर से तेरे सिर पे तेल है तो शैतान का हर निशाना चूकने वाला है। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, आमीन। अगर आपके सिर पे तेल है तो शैतान का निशाना चूकेगा। एक ही कारण है कि शाऊल दाऊद को मार नहीं पाया, दाऊद के सिर पे तेल था जो उसको शमूएल नबी ने दिया था। अपने तेल की रक्षा करो। व्यभिचार आपके तेल को खत्म करते हैं, ब्लू फिल्म आपके तेल को खत्म करती है, नशा आपके तेल को खत्म करते हैं, झगड़े आपके तेल को खत्म करते हैं। अपने तेल की रक्षा करो चर्च, शैतान का निशाना फिर चूकने वाला है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं शैतान उन पे अटैक नहीं कर पाया, लेकिन शैतान ने पाप करवाया उनसे, गलतियां करवाई उनसे, और उस तेल से बाहर लेके गया और फिर उनको मारा उसने। अपने तेल की रक्षा करना ये आपका पहला काम है। बाइबल कहती गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है अगर मरी मक्खियां उसमें चली जाएं। गंधी का तेल एक सुगंधित तेल होता था, महंगा तेल होता था, लेकिन उसमें भी बदबू आने लगती है अगर मरी मक्खियां, अगर पाप उसमें चला जाए तो। आज से मेरी प्रेयर ये है कि आपका तेल कभी खत्म ना होने पाए, आप कभी शर्मिंदा ना होने पाए। अगर आमीन ऊंचा है चर्च, आप इमेजिन कर सकते हैं, पांच कुवारियां समझदार थी, पांच मूर्ख थी। समझदार ने और तेल लिया और वो शर्मिंदा नहीं हुई। आप उन्हीं लोगों को शर्मिंदा होते देखते हैं अपनी लाइफ में जिनके अंदर तेल की कमी है, अभिषेक की कमी है, सामर्थ की कमी है। शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का ऐसा राजा जिसका निशाना कभी नहीं चुका, दो बार उसका निशाना चुका। पहली बार उससे जिसके सिर के ऊपर तेल था दाऊद के ऊपर, और दूसरी बार उससे जिसके सिर के ऊपर तेल था उसकी उसकी मदद करने के कारण योनातन के ऊपर भी वो निशाना नहीं लगा। आप दो तरह से सुरक्षित रहते हैं, एक तो आपके अपने सिर के ऊपर तेल हो और दूसरा जिसके ऊपर है उसको सपोर्ट करना, आप बचते हैं फिर। पहला आपके अपने सिर के ऊपर तेल होना, दूसरा उसको सपोर्ट करना जिसके सिर के ऊपर तेल है। शैतान का निशाना आप पर चूकने वाला है, आप बचने वाले, ये प्रोफेसी है, आप बचने वाले, ये प्रोफेसी है। आमीन ऊंचा चाहिए, ब्लेसिंग ऊंची चर्च। मैंने कहा शैतान का निशाना चूकने वाला, अगर आमीन ऊंचा आशीष आपकी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? पहला आपके अपने सिर के ऊपर तेल हो, दूसरा उसको सपोर्ट करना जिसके सिर के ऊपर तेल। बिन्यामीन जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, दाऊद के ऊपर से चूका, योनातन के ऊपर से चूका। उस शैतान ने जिसने आपके मोहल्ले में 10 मारे आपको नहीं मार पाएगा। मैंने अगर अपनी लाइफ में किसी चीज को सुरक्षित रखा है वो मेरा तेल है। ये नहीं जाने दिया, विरोध सह लिया, बातें सुन ली, सब कुछ कर लिया, पर तेल नहीं जाने दिया। आप इसलिए यहां बैठे हो आज। तेल, अगर सिर पे तेल है तो शैतान का निशाना चूकने वाला है। आपके बच्चे सेफ हैं, आपका बिजनेस सेफ है। मैंने कहा आपका आपकी लाइफ सेफ है यीशु मसीह के नाम में। अगर तेल आपकी लाइफ के ऊपर है, और मैं तेल को रिलीज करता प्रभु का दास हूं आपकी लाइफ के ऊपर। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। आमीन। तेल अगर है सिर के ऊपर तो आप सेफ हैं। आता कैसे है तेल? प्रार्थना करने से, बने रहने से प्रभु में, वचन पढ़ने से, और जिनके ऊपर तेल है उनको सपोर्ट करने से। आप एक बात को याद रखना सारी उम्र, अगर आपने उस तेल की इज्जत नहीं की जो आपके मैन ऑफ गॉड में, प्रभु आपको अपना सारी उम्र नहीं देगा। जाओ 500 रोजे रख लो डे नाइट के, मुझे बता देना अगर मिल जाए तो। 500 रख लो जाओ। जिसके सिर के ऊपर तेल है अगर उसका ऑनर नहीं किया तो आप सफर करने वाले हो बहुत जबरदस्त। आपको 5 साल बाद समझ आएगा कि मैंने कुछ किया जो मुझे मालूम नहीं किया लेकिन है वो गलत। जिसके सिर के ऊपर तेल है उसको सपोर्ट करने का मतलब है आप भी उसी सुरक्षा में शामिल हैं।
वो बिन्यामीन अगर माथे के बीच में निशाना लगाए तो माथे की साइड पे नहीं लगता था, बीच में लगता था। बिन्यामीन को ये वरदान था। उत्पत्ति की पुस्तक 48 बाब में अगर आप पढ़ें तो बिन्यामीन के गोत्र को यह वरदान था कि जब वो लड़ेगा तो जीतेगा, लड़ाई करना उसका वरदान था। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया होगा, यह उसका वरदान था। इसलिए बिन्यामीन जब निशाना मारते थे अगर माथे के बीच उन्होंने मारा तो माथे के बीच लगता था, साइड पे नहीं। और जब दाऊद को इतना बड़ा भाला मारा तो दाऊद बच गया। अगर एक वट्टे की एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त थी तो सोचो भाले की एक्यूरेसी कितनी होगी। पर दाऊद बचा, उसका अपना बेटा बचा। तेल, अगर तेल है तो आप सेफ हैं। और तेल शैतान उसको छीनने के लिए वो आपको ट्राई करता है, वो ट्राई करता है। ये तेल से उसको नफरत है और उसको इस तेल, इस अभिषेक की वैल्यू मालूम है, क्योंकि उसके पास आज भी तेल है शैतान के पास। अपने पड़ोसी को बोलो तेल, तेल। कितना पॉइंट है ये? दूसरा, पहला क्या? सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या? तेल। अगर तेल है शैतान मिस करेगा आपको। कोई गिद्ध उस मार्ग को नहीं जानता। कौन सा मार्ग? वो मार्ग जिसमें आप हैं, वो मार्ग अभिषिक्त होने के बाद जो परमेश्वर आपको देता है। दो तरह के रास्ते होते हैं। बुर्ज खलीफा चले जाओ ना तो दो तरह की टिकट मिलती है आपको। एक है आपको 100 कुछ फ्लोर तक लेके जाते हैं, एक है आपको उससे भी ऊपर फ्लोर पे लेके जाते हैं। एक महंगी वाली है कि आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आपको VIP की तरह लेके जाते हैं, सीधा ऊपर लेके जाते हैं, बिना लाइन के वापस लेके आते हैं। हाँ, अगर आपके पास तेल है तो आप VIP लाइन में हो। कौन कहता है चेलों में फर्क नहीं होता? कौन कहता है सब परमेश्वर की निगाह में एक समान है? ये गलत है, बाइबल ऐसे नहीं कहती। बाइबल कहती वो चेला जिससे प्रभु यीशु अधिक प्यार करता था, यूहन्ना। वो चेला जिसने सबसे अधिक काम किए, पौलुस। वो चेला जिसके पास भेद थे और कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, पिल्लर समझे जाते थे, कलीसिया का मेन भार उन पे था, पतरस, याकूब, यूहन्ना। पतरस का सगा भाई इस पिलर में शामिल नहीं है, पर है चेलों में। आमीन। अगर तेल है तो आप फर्क हैं, आप में फर्क है, दूसरों में आप में फर्क है। अपने पड़ोसी को बोलो तेल की रक्षा कर। बोलो पड़ोसी को, अपने तेल की रक्षा कर। बोलो, आपका सिर यीशु के नाम में अभिषेक तेल से, और सारी शैतानी ताकतें जारी यीशु मसीह के नाम में। आज ऑनलाइन में आपके साथ हूं, यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान आपका तेल चुराता आया, आज मैं उसको भगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। उसकी सारी योजना को कैंसिल करता हूं। आमीन हो जा यीशु जी। अपने पड़ोसी को बोलो तेल की रक्षा कर। आमीन। आज जो टेस्टिमनीज आप देखते हो ना, ये नॉर्मल टेस्टिमनीज नहीं है, मेरा दिल जानता है इसको। ये आसान नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता। इस मसीह को लेने से पहले मैंने इतनी फाइट की है अपने अंदर कि आप डेथ लेना पसंद करोगे, ये फाइट लेना पसंद नहीं करोगे। मैंने फाइट की अंदर, और मुझे एक बात मालूम थी कि अगर मैं प्रभु के साथ खड़ा रहा तो कुछ रिजल्ट जबरदस्त आने वाला है। 2011 में, 10 में, 12 में आप चलते हो होलीनेस में, जब आपके आसपास सब व्यभिचार में, आपको पैसों का लालच नहीं, आप परमेश्वर पर यकीन रखना जानते हो, आपको डे बाय डे वो तेल देते हैं और तेल बढ़ाता है, फिल करता है, रिफिल करता है, रिफिल करता है, कंटेनर बड़ा करता है। बोतल से आप बड़ी चीज में आते हो, कंटेनर में आते हो, फिर बड़े ट्रक में आते हो, आप तेल बढ़ता है आपका। हजूरी कभी नहीं बढ़ती, प्रभु की हजूरी कम बढ़ती नहीं, और ना हजूरी महसूस होती। जो आपको महसूस होता है संडे आके, वो तेल है, वो अभिषेक है, हजूरी नहीं। हजूरी को कभी महसूस नहीं किया जा सकता, तेल को किया जा सकता है।
अभिषेक को किया जा सकता। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, आपका तेल कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपके घर में 10 लाख की हीरे की अंगूठी पड़ी है, उससे ज्यादा ध्यान तेल पे रखना अपने सिर पे। लाखों की प्रॉपर्टी पड़ी, ध्यान रखना, लेकिन इसका ज्यादा ध्यान रखना जो आपके आत्मिक सिर के ऊपर जो प्रभु का अभिषेक है। भाई भाई, लड़कियां आएंगी आपको भरमाने, नोट कर लेना, क्योंकि वो तेल जो आपके सिर के ऊपर है वो पसंद नहीं उसको, और शैतान यूज करेगा लड़कियों को और लड़कों को आपकी लाइफ, वो यूज करेगा उसको, यूज करेगा आपके तेल को फिनिश। अगर तेल खत्म हो गया, जाओ फिर जहां जाना है, लो यीशु का नाम। शैतान भी लेता है, आप भी लो, वो भी डरता है, परमेश्वर से आप भी डरो। मैं आपको 5 चीजें आज बताऊंगा, अगर फॉलो कर ली तो कॉन्ग्रेचुलेशन है। आपकी प्रेयर्स अपने पे नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं, मेरे अगर स्पिरिचुअली सब खाने पूरे हैं तो मैं मांग सकता हूं, क्योंकि वो मेरा बाप है, मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए सब कुछ बनाया गया, क्यों ना देगा मुझे। अपना तेल खत्म मत होने देना, नहीं तो मूर्ख कुमारियां कहलाएंगे आप, और परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें जानता तक नहीं। जिसके सिर के ऊपर तेल खत्म हो गया, फिनिश हो गया, वो नाम का ईसाई रह गया, वो शैतान उससे डरता नहीं, उसकी परवाह नहीं करता, और जब शैतान भाला मारेगा वो मिस भी नहीं होगा, वो लगेगा भी। एक तो ये बात है कि आप गाड़ी चला रहे हो और एक्सीडेंट हुआ, क्या करें, आपकी गलती थी। एक ये है कि कोई गाड़ी चला रहा है, उसका टायर घूमा, उसको गलती लगी और आप में बच गया, आपकी गलती है क्या? अगर मसा है, मैंने कहा अगर तेल है, तो आप खुद तो गलती से बचोगे ही, दूसरों की गलती का भी शिकार कभी नहीं हो गया। आप खुद तो बचेंगे ही, लेकिन दूसरे की गलती से भी आपको एक्सीडेंट नहीं मिलेगा। ये प्रोफेसी है, ये डिक्लेरेशन। अगर आमीन ऊंचा आशीष ऊंची, हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है? तेल। तो शैतान मिस करेगा आपको, आप बचाए गए हैं, आप बचाए जाएंगे। आमीन ऊंचा, हालेलुया। एक विश्वासी की लाइफ में जो प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए, दूसरा उसकी लाइफ में तेल खत्म नहीं होना चाहिए, तीसरा अपने बीज का अगर आपने ध्यान ना रखा आप फिनिश हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य एक ऐसे बीज के समान है, ऐसे मस्टर्ड, ऐसे राई के दाने के समान है, जब वो बोया गया, लिखा जब बोया गया, जब वो बढ़ा तो ऐसे पेड़ के समान हो गया कि आकाश के पक्षी उस पर बसेरा कर सके। बाइबल कहती है आपको बीज जो दिया गया आपके खाने के लिए नहीं दिया गया, आप राई के बीज का तड़का भी लगा सकते हो, लगाते ना लोग, हाँ, या तो तड़का लगा के अच्छी सब्जी बना के खा जाओ और वो खत्म है 5 मिनट में, या उसको बोना पड़ेगा आपको और पेशेंटली आपको वेट करनी पड़ेगी उसको ग्रो होने के लिए, उसको बढ़ता हुआ देखने के लिए। हर वो विश्वासी, मूर्ख विश्वासी जो अपने बीज को खा जाते हैं, आपको टेस्टिमनी दी परमेश्वर ने, चाहे वो छोटी क्यों नहीं, वो बीज है। बड़ी गवाही लेने का कोई शॉर्टकट नहीं, बड़ी गवाही आसमान से डिजाइन नहीं की जाती, बड़ी गवाही परमेश्वर की ओर से निर्धारित नहीं की जाती, आपको छोटी गवाही देनी पड़ती, उसमें वफादार रहना पड़ता है, उसको फिर देना पड़ता है, आपकी गवाही बड़ी होती जाती जैसे जैसे साल और महीने बीतते जाते हैं। हाँ, जैसे उसकी गवाही है मुझे वैसी चाहिए, मिल सकती। अपनी गवाही को देने से अपना बीज खाना नहीं है, अपना बीज बोना है, अपना बीज देना है। आमीन। मैंने मूर्ख लोगों को देखा है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनमें बुद्धि की जबरदस्त कमी है, पर वो टाइटर्स हैं, दशवान देने वाले हैं और आज भी ब्लेस हैं। आज भी फिजूल खर्ची उनके घरों में नहीं,
क्योंकि टाइथ पुराने नियम का हिस्सा नहीं, ये पुराने से भी पहले का हिस्सा, जब परमेश्वर ने अब्राहम के दिल में डाला कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा तो उसका दसवां हिस्सा मुझे देगा। कोई विश्वासी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर वो अपने बीजों को खाने वाला विश्वासी हो तो। अगर आपने अपने तेल का ध्यान नहीं रखा तो भी आप सफल नहीं, अगर आपने अपने बीजों का ध्यान नहीं रखा तो भी आप सफल नहीं मसीह जीवन में। याद रखो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना और आपके उपवास के द्वारा आपको कभी फाइनेंशियली आशीषित नहीं करता, क्योंकि ये सब वाचाएं हैं, वायदे नहीं। वाचा का मतलब एक परमेश्वर ने आपको वाचा दी है। यकूब ने कहा था अगर आने जाने में तू मेरी रक्षा करे तो जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका दसवां हिस्सा तुझे दिया करूंगा, उसकी वाचा थी, प्रभु ने उसे ब्लेस किया। इसहाक ऐसे ही था अपने बाप के जैसा, और प्रभु ने उसे उन दिनों में 100 गुना दिया जिन दिनों में अकाल पड़ा था। आप एक अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं, गवाहियों से भरे हुए, पर आप अपने बीजों को खाना चाहते हैं। हाँ, आपने सुबह खाया, दोपहर को खाया, हाँ रात को खाया, अगले दिन आप टॉयलेट नहीं गए, आप खाते ही जा रहे हो, क्या होगा? एक दिन फट जाओगे आप, हॉस्पिटल जाओगे आप। हाँ, डॉक्टर बोलेगा भुक्कड़ बस कर, खाता जा रहा है पर निकल नहीं रहा। हाँ, क्या होगा? परमेश्वर हमको देता जा रहा है, हम खाते जा रहे हैं। हाँ, गरीबों को भूल गए हम, हाँ बीमारों को भूल गए हम, बस खा रहे हैं, पैसा आया खाया, प्रभु के राज में नहीं दिया, गरीबों को नहीं दिया, प्रभु के कामों में नहीं दिया, क्या होगा? एक दिन परमेश्वर कहता मैं हिसाब करूंगा। इज़राइल लोगों को प्रभु ने बोला था तुम 7वें साल अपनी भूमि को खुला छोड़ देना, इन पे बीज मत बोना। इंसान लालची है, 7वें साल भी बोते गए और अच्छी फसल आती गई। देख, कहते देखिया वो पुराने जमाने दिया गल्ला यार, हो देखो तो किन्ना नजारा लैंड है यहां पर, खाली छड़ के की करना आप? हाँ, गरीबा नू देनी है ना। प्रभु ने कहा 7वें साल खुला छड़ दो, जरा अपने आप उगे गरीबा नू दे दो, आप गरीबा नू वैसे ही दे देंगे 20%। परमेश्वर ने एक ऐसे राजे के उन्हें अधीन कर दिया जहां वो 70 साल पता नहीं कितने साल उसके अधीन रहे, और 400 कुछ साल उन्होंने बोया था, 7वें साल भी 400 कुछ साल, और 70 साल परमेश्वर ने उनको अधीन कर दिया, 70 साल वो जमीन बंजर पड़ी रही। हिसाब बराबर किया प्रभु, ज्यादा देना पड़ा। कभी मत अपना टाइथ खाओ, कभी मत अपना बीज खाओ, कभी अपनी टेस्टिमनी को लेके कभी मत बैठ। आपके बीच में लोग हैं कैंसर लेके ही, लोग एक बार टेस्टिमनी देने के लिए भी नहीं आए अभी तक। हजारों टेस्टिमनीज हैं मैरिजेस की, आपके बीच में बैठे लोग। एक अच्छा विश्वासी अपना बीज कभी नहीं खाता, वो अपने बीज को बोता है। लेकिन वो बोने वालों को बीज देते हैं, जो बोने वाले हैं उनको बीज देते हैं, ताकि तुम्हारे पास सब कुछ बहुतायत से रहे। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस हैं वो परमेश्वर के लिए, आप गिफ्टेड हैं परमेश्वर के लिए, कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए। आपका पहला हिस्सा किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। लोग कब प्रार्थना करते मालूम है? जब सारे दिन के काम धाम गालियां निकाल के जब थक जाते हैं, रात को 1 घंटा प्रभु को देते हैं और 45 मिनट अभी भी दुनिया से बाहर नहीं आ पाते। पहला घंटा अपना प्रभु को देना सुबह उठ के, आमीन। अपना पहला बीज प्रभु को देना, अपनी गवाही प्रभु को देना, अपने फाइनेंस का पहला हिस्सा देना, बाद वाला नहीं, आमीन। आप देखना अगर आप ऑनर करेंगे परमेश्वर का, वो आपका ऑनर करेगा। ऐसा कोई नहीं जिसने प्रभु को बेइज्जत किया हो और खुद इज्जत पाई हो, ऐसा कोई नहीं। एक हॉलीवुड स्टार जिसको दुनिया सल्यूट मारती थी, एक पास्टर के मुंह पे ऐसे सिगरेट का धुआं छोड़ के बोलता है, कहता ये तेरा जीसस। उसको फेफड़ों को कैंसर हो गया था कुछ दिनों के बाद। टाइटैनिक जहाज के मालिक को पूछा
कैसा बनाया जी? जहाज बड़ा जबरदस्त है, बड़ा बहुत बड़ा बनाया। कहता इतना बड़ा बनाया कि खुदा भी उसे डुबो नहीं सकता। पहले दिन डूब गया। कहता इवन गॉड कैनॉट सिंक इट। कहता गॉड भी उसे डुबा नहीं सकता। उसके मुंह से निकला, गॉड ने कहा आजा काका, तू पहला दिन तुझे जाने नहीं दूंगा। तुम उसे इज्जत दोगे वो तुम्हारी महिमा देगा, तुम उसे बेइज्जती दोगे वो तुम्हें बेइज्जती देगा। क्या देना चाहते हो खुदा को? तुम उसे बीज दोगे वो तुम्हें पेड़ देगा, तुम खा जाओगे बाद में खुद तुम नंगो भूखो की तरह बैठे हो, क्या करें हम? कुछ नहीं हमारे पास। प्रभु ने जो तुम्हें दिया वो तुम्हारा बीज है, तुम्हारी फसल नहीं। बीज नहीं बोगे फसल कभी नहीं आएगी। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ इन तीन पॉइंट्स के लिए। जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आज से, अब से मैं इन बातों का ध्यान रखता हूं। मेरी प्रार्थनाएं तुझ पे केंद्रित होंगी। मेरा तेल खत्म ना होगा, मेरा बीज कभी ना मैं खाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ। ये तीन पॉइंट आपके दिल में जाने चाहिए। ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची 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 आवाज में, ये बीज, ये तेल मेरी लाइफ से कभी अलग ना होगा परमेश्वर। मांगो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए। मुझसे अलग ना होगा, मेरा बीज मैं कभी खाऊंगा नहीं, मेरी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड ना होगी। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आप तैयार हैं वचनों को पूरा करने के लिए? आपको समझ आ रही है कि नहीं? आप लिख रहे हो कि नहीं? इन्हें नोट करना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर यीशु मसीह एक पागल व्यक्ति से मिले तो लिखा वो अपने आप को अपने पत्थरों से घायल करता था और अपने आप को ही मारता था। ऐसी शैतानी आत्माएं लोगों के बीच में मौजूद हैं जो उनको प्रेरित करती हैं कि वो खुद अपना नुकसान करें। उसे बोलते हैं सेल्फ इंफ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स, जो आपके गलती की वजह से आपकी लाइफ में उतरती हैं। अगर आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन होना चाहते हो तो आपको इस गलती से बच के रहना है। आमीन। आपको एक काम की बात बताऊं, अगर आप मोटे हैं और अपना वेट कम करना चाहते हैं और आप नहीं कर पाते, आप स्पिरिचुअल नहीं है। आपको मालूम है आप बंधन में, आपका कंट्रोल नहीं है आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कमी। एक स्पिरिचुअल आदमी अपने खाने पे कंट्रोल कर सकता है। वो पतला होना चाहे पतला हो सकता है, उसका दिल करे सेहत बनानी जिम जाना है वो जा सकता है। सेल्फ इंफ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स वो हैं जो आपकी गलती और शैतान के बंधनों की वजह से आपकी लाइफ में आती है। हाँ, हमारे रिश्तेदार हैं कुछ, वो डॉक्टर के पास जाते थे, हार्ट प्रॉब्लम है जी, हार्ट प्रॉब्लम। डॉक्टर बोलता था आपके हार्ट प्रॉब्लम है, आप देसी घी मत खाया करो। ना जी, देसी क्यों, कितने छड़ दिए हूं, समदम मजा ही नहीं आता रोटी का। हार्ट अटैक से मर गए वो, सेल्फ इंफ्लिक्टेड। कि डॉक्टर मना कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, मां मना कर रही, बाप मना कर रहे हैं, फिर भी करना है। ये शैतान है। शैतान की वजह से कम और आपके अपने गलतियों की वजह से ज्यादा आती। हाँ, डॉक्टर बोल रहा है अच्छा आपके एरिया में पानी गंदा है, एक फिल्टर लगाओ घर में। ना जी, कितने फिल्टर लाना, पहे है नहीं। आपके कानों की बालियां फिल्टर से महंगी हैं, आप उनको बेच के फिल्टर लगवा सकते। फिल्टर नहीं लगवाएंगे, हां पित्ता निकलवाने के लिए 20,000 खर्च देंगे।
वो निकलवा लेंगे, पिता कड़ा लांगे, वी आर नहीं, आरओ नहीं लाना कर। कुछ चीजें जो आपके अनजाने में हो, प्रभु आपको माफ करेगा, बचा के रखे। एक आपको बोला जा रहा है कि भाई पानी चेंज करो अपना, आपको बोला, आप फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, जो खुदा नहीं देता आप लेते हो। आपको डॉक्टर बोल रहा है बहन जी वेट बहुत ज्यादा है, कम करो, टांगों में प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं जी, एक प्रॉब्लम है आपको, आपको चैलेंज के रूप में आनी है, हैं? उसको कौन रोक सकता है? अगर खुदा आपको निकलवाना चाहता है उसमें, कौन रोकेगा उसको? कोई नहीं। पर एक है आपकी अपनी गलती की वजह से, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपने आप पे डाली हुई एक बात है। अपने शरीर का ध्यान ना रखना, अपने फाइनेंस का ध्यान ना रखना, अपने दर्शन का ध्यान ना रखना, अलर्ट ना होना, आपको सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बनाता है। आप खुद अपने आप को घायल करते हो, आपको शैतान या परमेश्वर नहीं करता। कई बार आपको बच के रहना है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम से, जो आपकी लाइफ में अपनी आपकी वजह से आए। आमीन। आपको मालूम है आपको टीवी देखने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, आपके आंख का चश्मा 2 नंबर हो चुका है, आप फिर भी टीवी देख रहे हो, मोबाइल पे लगे हो, क्या खुदा करेगा आपकी लाइफ में? क्या करेगा? आप खुद ही जाना चाहते हो अब खूह में, तो वो क्या रोकेगा आपको? आप अलर्ट हो, अगर आप कॉन्शियस हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं, आप प्रेयर करोगे उसका हल होगा, आप उस पर काम करोगे उसका हल होगा। बाकी सब कुछ खुदा पे छोड़ दो, अपना पॉइंट, अपना पार्ट अदा करना मत छोड़ो। आमीन। अपना पार्ट अदा करना मत छोड़ो, बाकी जो होता है खुदा पे छोड़ो, अपना पार्ट मत छोड़ो। आमीन। आज के बाद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बीमारियां, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कभी ना आए। प्रभु आपको बुद्धि देकर आमीन ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। पांचवा पॉइंट लिखो अपनी कॉपी के ऊपर, अपने पड़ोसी को बोलो हम्बल बन, बोलो ऊंची बन, नम्र बन, क्योंकि वो नम्र लोगों को ऊंचा करते हैं। आमीन। क्या बनना है? पांचवा पॉइंट क्या है? नम्र बन। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, कहता सामने के गांव में जाना, तुम्हें एक बंदा खड़ा उठा के मिलेगा पानी वाला, उसको पूछना जहां प्रभु अपना फसा खाना खाएगा वो जगह कहां है। आप जानते हैं इजरायली कौम में एक बंदे का खड़ा उठाना नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि जो जनानियां, जो लेडीज बहनें होती थी, वो खड़ा उठाती थी पानी भरने के लिए, और वो पानी को लेके आती थी, लेके जाती थी। एक बंदे का खड़ा उठाना ये नॉर्मल नहीं था। आमीन। उस बंदे का खड़े उठाने का एक मतलब था, वो बंदा एक नम्र व्यक्ति था। हाँ, जैसे आज किसी जेंट्स को बोल दो, उसकी वाइफ बोल दे कि आज आज रात आप दाल बना दो, ले दाल बनानी। आप कई बार हेल्प कर सकते हो वाइफ की, हाँ, नो प्रॉब्लम। हम तो दोनों खाना नहीं बनाते, ना वो ना मैं, लेकिन आप बना सकते हो अगर कुक नहीं है घर में तो। हाँ, अगर आप हम्बल नहीं हो तो खुदा करेगा हम्बल, वो जूतियां मार के भी करेगा, आप देख लेना, मैं आपको सच कह रहा हूं। नहीं नहीं, आपकी वाइफ नहीं करेगी आपको हम्बल, बाहर वाले करेंगे। अगर आप हम्बल नहीं है, मैंने कहा आप हम्बल नहीं है, तो बाहर वाले हम्बल करेंगे आप। जिसने तो अपने बाप से मार खाई है, उसने बाहर वाले से कभी नहीं खाई। जिसने बाप की नहीं खाई, बाहर वालों ने मारा उसको। अगर आप हम्बल नहीं, परमेश्वर ने कहा बंदा खड़ा उठा के मिलेगा, पानी पानी लेके बंदा जाता मिलेगा, उसको बोलना कि मैं तेरे घर में आज खाना खाना चाहता हूं, लास्ट फसा तेरे घर में खाना चाहता हूं। परमेश्वर उन घरों में मौजूद है और उसका आनंद उन घरों में, उन लाइफ में मौजूद है जो हम्बल है, जो नम्र है। परमेश्वर ने उस घर को खाना खाने के लिए चुना जिस घर का आदमी पानी भर रहा था। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। कौन था वो? सिर के ऊपर घड़ा उठाया पानी भरने के लिए आ रहा है। ये पॉसिबल नहीं था, ये नॉर्मल सीन नहीं था, क्योंकि बंदे पानी नहीं भरते, लेडीज भरती थी।
जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अच्छा जाना उस एक गांव में, आपको एक बंदा झाड़ू मारता हुआ मिलेगा और रोटी पकाता हुआ मिलेगा, उसके घर जाना और बोलना यीशु मसीह तेरे घर में फसे खाना चाहता है, लास्ट फसे जो सारी उम्र याद की जाएगी। मरियम को बोली कदि खुदा ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की, मेरी दीनता के ऊपर। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। आमीन। मरियम कहती परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की। खुदावंद आपको नम्र करे, आपका दिल नम्र हो। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। जितना वचन मैंने सुना 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा आशीष।